एक्स 0 से 1.25 है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 2.25 तक चला जाएगा, है ना। तो एक्स ये जब 0 to 1 होगा, एक्स स्क्वायर जब 0 to 1 होगा तो वैल्यू 1 आएगी। अगर एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से 2 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 से 2 होगा तो 1 ही तो 1 आएगी। आएगी। और 0 से 1 में क्या आएगी वैल्यू, 0। 0। और फिर एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से 2.25 तक होगा, तो तो टू वैल्यू क्या आएगी, टू हाँ 2। तो बस इसको इसी हिसाब से तोड़ देना है, 0 से 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रल 1 से, अब एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो एक्स तो 1 से √2 होगा ना, यहाँ पे तो एक्स की वेरिएशन आती है, तो 1 से √2। रूट टू क्यों? एक्स स्क्वायर अगर 2 होता है तो एक्स कितना होता है, जब एक्स अच्छा स्क्वायर की हाँ वैल्यू हाँ 2 होती है तो एक्स की वैल्यू रूट क्या टू होती है, रूट रूट टू टू या होती है। प्लस माइनस रूट टू, माइनस तो चाहिए नहीं हमको, ठीक है। फिर प्लस रूट टू से ये 1.5 तक ही लिखेंगे, ठीक है। ओके। बस अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ये तो 0 ही हो गया, ये वन यहाँ पे हो वन है, गया। ये 1 हो गया, तो ये इंटीग्रल डीएक्स एक्स हो जाएगा, या एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो लिखना चाहो तो, देख लो जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे। यहाँ पे ये 2 हो रहा है तो रूट टू से 1.5 2 dx, फाइव। नहीं तो बस अब ये √2 - 1 आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद, और यहाँ पे इंटीग्रल 2x आएगा, तो x में पुट करोगे तो 1.5 - √2 आ जाएगा। मतलब एक मैंने मिनट, इकट्ठा ही कर दिया इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कैसे करना है, हाँ मैम आ गया। ठीक है ना। तो मैम 3 से 6 के बीच आएगी, हाँ तो पहले तो लिखो x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है, 1 से 2। तो 3x जो है वो कहाँ से आएगी, 3 से 6 तक। 3 से 6। तो 3 से 6 का मतलब 3 से 4 में हमारी वैल्यू अलग आती है, 4 से 5 में अलग आती है, तो वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे हम ब्रेक कर लेंगे, है ना। इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक कर लेंगे, 3 से 4 में वैल्यू अलग आती है, 4 से 5 में अलग आती है, 5 से 6 में अलग आती है, तो 3x जो है 3 to 4 हो गया, 3x जो है वो 4 to 5 हो गया, और 3x जो है वो 5 to 6 हो गया। सिक्स तो अब जब 3x 3 से 4 है तो x कहाँ से कहाँ जाएगा, जाएगा। 3 से 4 है तो हाँ तो x जो है वो 3 से डिवाइड करो, 1 से 4/3, इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, हाँ इसी हाँ हाँ तरह ये से तो अगले वाले में डिवाइड करो, फोर है। तो 4/3 से 5/3। बाय थ्री से 5/3, यही हाँ लॉजिक है इनके पीछे। और अच्छा ये यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, 5/3 से सिक्स सिक्स बाय थ्री तो वो 2 हो गया। टू हो गया। हाँ ये जो स्टार्टिंग का 1 है और ये 2 है, ये जब तुम ब्रेक करते हो तो यही वाला आना चाहिए जो क्वेश्चन में है ना, अच्छा। नहीं आ रहा तो मतलब गलती कर रहे हैं कहीं। ओके। तो 1 से 4/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x dx प्लस 4/3 से 5/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x dx प्लस 5/3 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x dx, ये हाँ बन मैम हो गया। जाएगा। यस मैम। अब 3x जो है, जब ये 1 से 4/3 है तो 3x जो है वो 3 to 4 के बीच में है, ये देखो,
तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 3 to 4 के बीच में है। हाँ, तो इंटीग्रल के अंदर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x क्या हुआ? यहां से देखो ना, ये जहां मैंने टिक लगा रखा है, ये 3 होगा, 3 आ जाएगा, है ना? ऐसे ही अगले वाले में 3x कहां से कहां तक है? तो अगले वाले में 3x से 4 से 4/3 से 5/3, 4 से 5, वो तो x है, 3x। हम्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमें 3x का देखना है, 4/5, 4 से 5 वेरिएशन हमें x की लिखनी है। ये जो इंटीग्रल में लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है वो तो x की वेरिएशन है, लेकिन जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें 3x देखना है ना, क्या है। तो 3x अब जो है ये है 4 से 5, ये वाला सेकंड वाला, तो 4 से 5 है तो 4 आ जाएगा। समझ आ गई बात? हाँ मैम, यहाँ पे 5 आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर 5 आ जाएगी, तब ये सब जगह इंटीग्रल तो x x ही आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पुट करते जाओ और आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, आ गया समझ? हाँ मैम। प्लस cos x log x, जब भी ये x की पावर x टाइप का होगा ना, x की पावर f x या f x की पावर x, है ना, तो इसको इसी को तुम t लोगे। तो अपने मन में ओरली सोचो, इसको डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं हम, फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं? लॉग, लॉग लेते हैं। तो ओरली मन में सोचो क्या बनेगा, साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स अपॉन टी। साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ओरली सोचो। हाँ एक मिनट, साइन एक्स लॉग एक्स का साइन अपॉन पहले साइन एक्स लॉग एक्स, पहले मैम साइन एक्स प्लस नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स फिर प्लस साइन एक्स हो जाता है कोस एक्स, कोस एक्स लॉग एक्स, हाँ, तो वही तो ये दे रहा है, देखो, हाँ वही दिख रहा है ना। तो बस कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होगा तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को वो ले लिया हमने, और फिर इसका डेरिवेटिव मन में रिकॉल करोगे तो आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू 1/t डीटी, ठीक है। हाँ, अब एक्स की पावर साइन एक्स को हमने टी लिया और ये आ गया 1/t डीटी, तो सीधा आंसर क्या आया, टी प्लस सी। तो एक्स की पावर साइन एक्स प्लस सी, है ना, ओके, ठीक है, समझ आ गई। डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इस फॉर्म का हो, बताएगा तो क्या करते हैं हम, या तो हम साइन एक्स कॉस एक्स दोनों की वो टैन एक्स बाय टू वाली वैल्यूज पुट कर दें। हाँ, या तो ऐसे और या एक शॉर्टकट मेथड बताया था, इसका मतलब वो बना देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था, बताया था। तो वो वाली अप्रोच से अगर हम करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इस उस हिसाब से ये जो बनेगा इंटीग्रल dx अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से नहीं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हाफ cos x प्लस बी और रूट 3/2 साइन एक्स। तो अब इसको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा कुछ भी बना दो, ठीक है, एक एक का बना लो,
तो इंटीग्रल डीएक्स अपॉन तो ये बन गया इंटीग्रल कोसेकेंट पाई बाय सिक्स प्लस एक्स डीएक्स, ये बन गया ना. अब इंटीग्रल कोसेकेंट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोटेक्स कोसेकेंट. इंटीग्रल कोसेकेंट अरे ये तो लॉग लॉग कौन सा वाला याद किया हुआ है? एक मिनट कुछ मैम लॉग की फॉर्म में होता था एक एक देखो एक तो तुमने ये याद किया था एनसीईआरटी में जो दे रखा है लॉग को सेकेंट एक्स. ये वाला ये याद किया हुआ है ना. तो इसी की जो है फॉर्म ये याद करनी पड़ेंगी चीजें लॉग ऑफ, तुम्हारे सब ट्वेल्थ के नोट्स में है ये सारी चीजें, लॉग ऑफ टैन एक्स बाय टू. तो आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, ऑप्शन तुम्हारी इस फॉर्म में भी हो सकती है. तो दोनों को याद रखना है और ऐसे ही इंटीग्रल सीकेंट एक्स का होता था, क्या होता था? सेकेंड एक्स का लॉग सेक एक्स माइनस टेन प्लस टेन एक्स प्लस सी. और या फिर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होती थी, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाता है लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू. चेक कर लेना मेरे को तो ये याद है, ठीक है आरडी में दे रखे होंगे. तो ये log ऑफ tan x by 2 यहाँ पे हमारा बन रहा है log ऑफ tan x by 2, तो क्या बनेगा ये pi by 12 plus x by 2 हाँ plus log x. तो इसको तो ऐसे लिख लो ना, इंटीग्रल e रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर. अलग अलग कर सकते हैं ना, जब प्लस होता है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है. टू एक्स लोगे ओके ठीक है सही है हाँ सही है. तो सिंपल अलजेब्रा है. अब e की पावर log fx किसके इक्वल होता है? e की पावर log fx x हो या sin x हो log cos x हो वन हैं मैम. ये तो एक मिनट, ये x है ये क्वेश्चन log x स्क्वायर. ये log की प्रॉपर्टीज है, log की प्रॉपर्टीज में मैंने तुम्हें लिखवाया था. हाँ, तो हाँ. जो भी फंक्शन होता है वही आएगा, x है तो x आएगा हाँ, कुछ हाँ. और है तो वो आएगा. और ये भी याद रखना कि इसका जो मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है वो है a की पावर log एफ एक्स बेस ए, ठीक है. a की पावर log एफ एक्स बेस है तो भी एफ एक्स आएगा. तो यहाँ पे क्योंकि हमारा बेस e है इसलिए आंसर एफ एक्स आ रहा है, ठीक है. समझ में आ गई बात? तो ये बन गया इंटीग्रल x e रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर डी एक्स. अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये. तो x स्क्वायर को t पुट करोगे हो जाएगा, पुट कर देंगे हो जाएगा. या 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x.
तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो डेरिवेटिव बन गया। ये जो मैंने चीजें तुम्हें टेक्निक सिखाई हुई है ना 12th में, इनको रिकॉल कर लोगे तो फास्टर हो जाओगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। तो 1/4 इसमें क्या होता है, पावर हम 1 से रेस कर सकते थे, e टू दी पावर 2x² का होल स्क्वायर अपॉन। तो 1/8 e रेस टू दी पावर 2x² का होल स्क्वायर, तो 4x की पावर 4, 4x² सॉरी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब पुट करके भी कर सकते हो, मैं तो बिना पुट करने की कोशिश कर रही थी इसलिए, अदरवाइज पुट कर लो यहाँ पर। पुट में तो फिर वही टाइम लगेगा, हैं? पुट तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। हाँ कोई बात नहीं, 2x² को टी पुट कर लो, नहीं तो वो पावर रेज करने वाला जो मैंने सिखाया था, डेरिवेटिव बना दो और पावर को 1 से रेज कर दो। ये फॉर्मूला सिखाया था ना, इंटीग्रल एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स। तो जब भी डेरिवेटिव साथ होगा तो फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाती है। ठीक है, एन नॉट इक्वल टू -1, -1 होगा तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये जो मैंने चीजें सिखाई है ना 12th में, इन सबको रिकॉल कर लोगे तो फास्ट हो जाएगा थोड़ा। और इसमें जैसे अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा e की पावर log एफ एक्स, मान लो डाउट हो जाता है मन में, आपकी पता नहीं क्या होता है ये, है ना, कभी कभी हो जाता है ना, नहीं याद आता, तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कुछ, मान लो ये कुछ है p है, ठीक है कुछ भी ले लिया, p ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो। अब दोनों तरफ log ले लो, अब इधर log हाँ, लोगे भी आएगा, इधर आ जाएगा इधर लॉग लेफ्ट साइड में पावर नीचे आ जाएगी, लॉग एफ एक्स लॉग ई। तो लॉग ही क्या होता है ये, तो ये हो गया लॉग एफ एक्स और इधर आ गया लॉग पी। तो 1/p। तो पी किसके इक्वल हुआ, अब एफ एक्स के। तो हाँ कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे उसको कुछ पी मान के दोनों तरफ लॉग लेके हम पहुंच सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता नहीं बच्चे के पास। ओके ये जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना ई की पावर एक्स वाले, हैं इसमें हो या लिमिट में भी कई बार आ जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी होते हैं ना, तो उनमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में अगर कर रहे हैं तो या तो 1+e^2 को टी लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, और या फिर इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, e की पावर -x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो e की पावर -x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या बनेगा, ऊपर e की पावर -x आ जाएगा, तो और नीचे बन जाएगा नीचे की आ पावर गया माइनस e की एक्स पावर -x +1। +1। अब e की पावर -x का हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म है ना, e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर माइनस ई की पावर -x -1। तो अब अगर ऊपर तुम डेरिवेटिव बना दो ये नेगेटिव साइन एडजस्ट करके ऐसे माइनस इंटीग्रल माइनस e की पावर -x, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा बेटे डेरिवेटिव बना के ओरली करने का। तो e की पावर -x+1, क्योंकि पेपर में टाइम का खेल है पूरा, अभी ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ ई की पावर -x+1। तो बस अपने माइंड को ट्यून कर लो कि अगर नीचे है तो लॉग हो जाएगा और अदरवाइज पावर 1 से रेज हो जाती है, बस डेरिवेटिव होना चाहिए डीएक्स के साथ, तो बस ये आंसर हो गया। अब आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, -log e की पावर -x ना हो के 1/e की पावर x हो, तो 1+e की पावर x/e की पावर x, पता नहीं जिस भी फॉर्म में आंसर दे रखा होगा, जिस भी फॉर्म में होगा उस फॉर्म में पहुंच जाओ। अब ये माइनस अगर तुम्हारी ऑप्शन में नहीं है
तो माइनस को हम अंदर भी ले जा सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ e की पावर x ऊपर आ जाएगा और वन वन प्लस ई की पावर x, तो जिस तरह से ऑप्शन होगी उसके हिसाब से आंसर टिक कर दो, है ना? ओके ठीक है, समझ आ गई? हाँ मैम।